श्री भगवान अमृतपिंड पिंडेश्वर को पंचस्तुति यहाँ मैं प्रस्तुत करने गई रहेगा छु, जिसमें प्रथम स्तुति शार्दूल विक्रीड छंदमा इस प्रकार को छ। ओम श्री पिंडेश्वराय नमः। ब्रह्मोवाचो ए पित्रादि सुदद्गणा सुभगणा स्नेहारुणास्तेषु माम् त्रातुं कोऽपि नहि प्रभुः पशुपते भीतं भवाम्भो निधे। हालाहालगरासनत्र नयन स्वानन्द सम्पद्घना श्रीपिण्डेश्वर शीतशैलगमहा देव प्रसीद प्रभो। वीराराधितबोधसौदशिखर स्फूर्जन्महामण्डपे वेतुण्णानन सन्मुख प्रभृतिभिः साकं प्रभो खेलसे। सीतन्तं व्यसराण्णवे निपतितं भीतं नमां विस्मर। श्रीपिण्डेश्वर भक्तवत्सल महादेव प्रसीद प्रभो। देवत्वं विधिरूपतस्त्रिभुवनं निर्माय लीलावसात् पासी श्रीपतिना मदस्तदखिलं सम्भो स्वसृष्टं पुनः। संहर्तुं हरतामुपैसि वदमां त्रातं कथं न प्रभुः। श्रीपिण्डेश्वर चन्द्रशेखर महादेव प्रसीद प्रभो। क्षोणीतो युताशनानि लवियत् सूर्येन्द्रहोत्रात्मभिः विश्वातीतदिदात्मकत्रिभुवनं पूष्णासि मूर्त्यष्टकैः। कष्टात् कष्टतरां दशामधिगते किं मय्युपेक्ष्या तव। श्रीपिण्डेश्वर दीनपोषण महादेव प्रसीद प्रभो। चिद्व्योमामृत सिन्धु बन्धुरधरा धीरा विहार क्रिया दूरीभूत दुरन्त सन्तत भव व्याल प्रतापानलाः। त्वां ध्यायन्ति कथं वयं जडधियो ध्यायेम कारुण्यतः। श्रीपिण्डेश्वर वीरवन्दित महा देव प्रसीद प्रभो। शम्भोऽलङ्करणानि निश्चितवतां श्रेयांसि भूयांसि अलम्। रागीतेऽङ्घ्रिमुपागतस्तविभो सर्वार्थसिद्धप्रदम्। वीराधीश्वरमेव कार्मुकधनं स्वामिन्वदान्याग्रणी। श्रीपिण्डेश्वर पण्डितस्तुतमः देव प्रसीद प्रभो। ऋक्षाध्यक्ष वलक्ष पक्ष विशद त्रिक्षाम्बुजाक्षार्चित प्रेक्षावत परिरक्षणक्षम विभो दक्षाध्वरध्वंसनः। वीक्षा क्षिप्त पुरत्रयस्वरहर क्षेमाब्धिचन्द्रोदय। श्रीपिण्डेश्वर खण्डिताहित महा देव प्रसीद प्रभो। श्रीकान्त प्रमुखामरार्जितबुध स्वान्तारविन्दालय। भ्रान्तानां मतिदूरवीरमहतां सन्तानवत् सर्वदः। नादान्तस्थितनाथबोधित निरा वादात्मबोधात्मको श्रीपिण्डेश्वर शान्त शाश्वत महा देव प्रसीद प्रभो। इमं स्तवं पठन् नित्यं नियतेन्द्रियमानसः चचार परमं तीव्रं तपः सर्वपितामहा। ओम श्री हिमाद्रिखण्डे पूर्वभागे रुद्राक्षाण्डमहात्म्ये ब्रह्माकृतं प्रथमं स्तोत्रं सम्पूर्णं। ॐ श्रीपिण्डेश्वराय नमः। महाविष्णुरुवाच त्वं सर्वभूतपतिरित्यखिलान्तरात्मे दिव्याजनिर्भरघृणाशरणं शखेति तद्वृन्दवन्दितगुणत्रिपुरान्तक श्री पिण्डेश्वर प्रणतपालमयी प्रसीद। पञ्चाश्य पञ्चशरनाशककारणस्त्वं पञ्चेन्द्रियेश धरणीधरशोभितस्त्वं।
पञ्च प्रपञ्च परिरक्षण कर्णधारो पिण्डेश्वर प्रणतपालमयि प्रसीदो पञ्चाश पञ्चशर सञ्चय वञ्चितोऽहम् पञ्चाशुगात्र धरणीधर मण्डनस्त्वम् पञ्चाशवर्णमय पञ्चमनोस्वरूप पिण्डेश्वर प्रणतपालमयि प्रसीदो अत्ता समस्त जगतां त्वमसि त्रिनेत्र सत्ता प्रदश्च जगतां भगवंस्त्वमेव वित्तादिभिर्विरहिते शरणं गते त्वां पिण्डेश्वर प्रणतपालमयि प्रसीद चितराज बिम्बगलितामृतचारुधारा दूरीकृता मय निरामय वीरगेयः श्रेयःप्रदाश्रितवतां महतां विधेयो पिण्डेश्वर प्रणतपालमयि प्रसीद ताराधिनाथरुजिगौरशरीरनील धाराधरावगलबालशुधांशु मौले घोरारिभिर्विदलिते पतिते भवाब्धौ पिण्डेश्वर प्रणतपालमयि प्रसीद चण्डांशुचण्डरुचिमण्डलखण्डनश्री भास्वत्क्वदर्पसुतमहार्दनार्दनार्च्यो दुर्दान्तहार्दजविमर्दितमानसे श्री पिण्डेश्वर प्रणतपालमयि प्रसीद दक्षाध्वरक्ष्यपणरक्षितपक्षिवाहो यक्ष्याधिराजसकशिक्षितवैरिपक्षः भिक्षाशिभिस्त्वरितिलक्षितशान्तरूपो पिण्डेश्वर प्रणतपालमयि प्रसीद क्वाहं पशुः पशुपते पतिताग्रगण्यो पुण्यं भवत्पदसरोरुहदर्शनं क्व प्राप्तो भवत्करुणया चरणं तवाद्यो पिण्डेश्वर प्रणतपालमयि प्रसीद त्वं जातुचित्तनुभृतां हृदये धृतश्चेत् तं जातबोध विभवं विभवं करोषि किं जातके समुचिता तवमय्युपेक्षा पिण्डेश्वर प्रणतपालमयि प्रसीद यस्ते प्रतापविभवस्त्रिपुरं निहन्तुं कर्तुं निहन्तुमभिमत्तव देव शौर्यम् तेनाद्यपालय विभो शरणागतं मां पिण्डेश्वर प्रणतपालमयि प्रसीद इमं स्तवं पठन् नित्यं पिण्डेश्वरमनप्रियं चचार परमं तीव्रं तपः कमललोचनः ॐ श्रीमादृखण्डे पूर्वभागे रुद्राक्षारण्यमहात्म्ये महाविष्णुकृतं द्वितीयं स्तोत्रं सम्पूर्णं ॐ श्रीपिण्डेश्वराय नमः महाविष्णुरुवाच सन्ध्यारागसरागभासुरजटा भाराय धाराधरो छायासोदरकन्धराय शभिन्निहारहारत्विषे हारीभूतभुजङ्गमाधिपतये वेदान्तवेद्यश्रिये पिण्डेशाय नमः शिवाय गुरवे नादान्तनागात्मने वेद्यातीतचिदात्मने विदलिता वेद्याय वेदाशयैर् वेद्याय स्वसुखानुभूतिमुदितः स्वान्ताय शान्तात्मने सद्धात्रादिभिरचिताय धरणी वृन्दारविन्दैः सदा पिण्डेशाय नमः शिवाय गुरवे नादान्तनागात्मने गोत्राधीश्वरदन्दिनिप्रबिलसद् गात्राय धात्रादिभिर्गात्रैस्वैर्जगदुद्भवस्थितिलयक्रीडां सदा कुर्वते चिद्व्योमामृतसिन्धुबन्धुरधरि दोलाविहारायते
पिंडेशाय नमः शिवाय गुरवे नादांतनागात्मने। विश्वाकार विजायताय विविधस्तुत्याय सत्यात्मने। विश्वोत्तीर्ण महाप्रमातृभुवसे विद्यापुषे श्रीपुषे। विश्वत्राणपरायणाय वीता मित्राय मित्रत्विषे। पिंडेशाय नमः शिवाय गुरवे नादांतनागात्मने। वीराराधितपादुकाय विभुतां जेत्रे लवित्रे रुजां। राजद्राजकरा विराजित जजा जूडस्फुरन्मौलये। दारिद्रद्रुमभञ्जनाय दमिनां दारिद्रदात्रे सतां। पिंडेशाय नमः शिवाय गुरवे नादांतनागात्मने। नीहाराचलतुङ्गशृङ्गरजिता वासाय दासायितो ब्रह्मादित्रिदशेन्द्रवन्दितपद द्वन्द्वाय विन्द्वात्मने। स्वरगङ्गाजलतुङ्गभङ्गलहरी धाराभृते श्रीमते। पिण्डेशाय नमः शिवाय गुरवे नादान्तनागात्मने। निःश्वासाय नैगमाय महते पश्वादिरुत्सन्मने। मानातीतघृणाघनाय महतां मान्याय दैन्यच्छिदे। नेत्रे भूतकृशानुभानुशीर्णे वन्दारुषं दायिने। पिण्डेशाय नमः शिवाय गुरवे नादान्तनागात्मने। ओङ्काराक्षितपङ्कजास्रभुषे स्वानन्दसम्पज्जुषे। रोषध्वस्तपुरत्रियाय दमिने दक्षाध्वरध्वंसिने। विद्यादानविशारदाश्रमिता विद्याय विद्यात्मने। पिण्डेशाय नमः शिवाय गुरवे नादान्तनागात्मने। स्वेच्छाशक्तिविलासलालितसरी रायावृताम्भोनिधि। क्षीरस्वारपटीर्हाय घनसा रासारहीरत्विषे। भाषाधीस्वरवन्दिता जीर्णा ईन्द्रस्तुथाथ श्रिये। पिण्डेशाय नमः शिवाय गुरवे नादान्तनागात्मने। इति स्तुत्वा महाविष्णु पिण्डेश्वरमनन्नधीः प्रणमशिरसा भूमौ सदसौ सहस्रशा। ॐ श्री हिमाद्रिखण्डे पूर्वभागे रुद्राक्षारण्यमहात्म्ये महाविष्णुकृतं तृतीयं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्री पिण्डेश्वराय नमः। विष्णुमित्र उवाच चण्डां सुमण्डलान्तस्थं चण्डां शूषतभास्वरं चण्डी सहायं सदयं पिण्डेश्वरमहं भजे। ब्रह्माण्डाक्षेषु पिण्डेषु हिण्णन्तं चन्द्रभानुवतो पण्डां दिशन्तं श्रीमन्तं पिण्डेश्वरमहं भजे। कुण्डलीकृतदोर्दण्डं दण्डितारातिमण्डलं शुण्डादण्डावदोर्दण्डं पिण्डेश्वरमहं भजे। कुण्डलीकृतनागेन्द्रं मुण्डमालास्तिभूषणं शुण्डालचर्मवसनं पिण्डेश्वरमहं भजे। पञ्चाननं त्रिनयनं पञ्चाशदवर्णविग्रहं पञ्चाक्षरान्तरजरं पिण्डेश्वरमहं भजे। नीहारशैलशिखरे वसन्तं विजयपुरे शान्तिं दिशन्तं भजतां पिण्डेश्वरमहं भजे। रुद्राक्षमालाभरणं रुद्राक्षारण्यचारिणं रुद्राक्षमालादादारं पिण्डेश्वरमहं भजे। यक्षेशमित्रं जन्गात्रं नेत्रीकृतरुचित्रयं गोत्रात्मजारसद्गात्रं पिण्डेश्वरमहं भजे। इदं स्तोत्रं पठेन्नित्यं मासमेकं निजोत्तमः तस्य सिद्धिर्भवेत् सर्वा पिण्डेशस्य प्रसादः। ॐ श्री हिमाद्रिखण्डे पूर्वभागे रुद्राक्षारण्यमहात्म्ये विष्णुमित्रकृतं चतुर्थं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ
श्रीपिण्डेश्वराय नमः। विष्णुमित्र उवाच रुद्राक्षबिल्वतरुमण्डलमण्डितश्रीः सीताद्रिशृङ्गकृतसङ्गमसङ्गमाद्यम् खण्डेन्दुमौलिमुखरसतिमौलिवेद्यम् पिण्डेश्वरं पुरहरं शरणं प्रपद्ये। वेदाश्वमिन्दुरविं रथाङ्गयुग्म क्षोणीरथं द्रिणसारथिमास्थितौ यः तिस्रः पुरस्वहसिते ददाहतं श्री पिण्डेश्वरं पुरहरं शरणं प्रपद्ये। मन्दारकुन्दकरवीरकपारिजातैः पुन्नागनागवकुलासनको विदारैः संशोभिते गिरिवरे सततं वसन्तम् पिण्डेश्वरं पुरहरं शरणं प्रपद्ये। दिव्यन्तु देवनिवः दृशेन्द्रमुख्याः प्रख्यातसम्पदप्रदपादसेवाः देवादिदेवी श्रुतिविस्तुतस्तं पिण्डेश्वरं पुरहरं शरणं प्रपद्ये। किं कालवेगविदुते न कलेवरेण किं कामिनीभिरनिशंसनप्रदाभि ध्यातस्सकृत्स्वपदवीं प्रददातियस्तं पिण्डेश्वरं पुरहरं शरणं प्रपद्ये। नाहं वृणे क्षितले वसुताधिपत्यं नैवामरेन्द्रपदवीं न साधिपत्यं विश्वाधिकं शकलविस्फुरदन्तरस्थं पिण्डेश्वरं पुरहरं शरणं प्रपद्ये। पञ्चाननं त्रिनयनं दशबाहुदण्डं चण्डातिसेवितमुदारमहेन्द्रहारं वीरेन्द्रवन्द्यचरणं करुणाधुरीणां पिण्डेश्वरं पुरहरं शरणं प्रपद्ये। विश्वोद्भवस्तिलयादि सुयश्चिदात्मा ब्रह्मेति विष्णुरुद्रेति त्रिमूर्तिः पूर्तेष्टदार्दवसाम्भरतं प्रभुं तं पिण्डेश्वरं पुरहरं शरणं प्रपद्ये। इति स्तुत्वा महेशानं पिण्डेश्वरमण्यधीः आनन्दसिन्धुमग्नात्मा तूष्णीमाशीजोत्तमः। ॐ नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराशिष्टपुरधराभ्यां नगेन्द्रकन्याविषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। ॐ श्री हिमाद्रिखण्डे पूर्वभागे रुद्राक्षारण्यमहात्म्ये विष्णुमित्रकृतं पञ्चमं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ यसरे क्रमशः ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्वारा स्तुतिगान करिन्भय का विजयपुराधीश्वर अर्धनारीश्वर भगवान आशुतोष शामधरा शिव पिण्डेश्वर महादेव को स्तुति महिमा को वर्णन सर्वजन समक्ष प्रस्तुत कर दई निम्न क्षमा स्त्रोत्र का साथ यो प्रकरण यही समाप्त करना अनुमति चाहन्छु। किनकि भगवान शंकर को वर्णन अथवा पिण्डेश्वर को वर्णन वाग देवी सरस्वती ले पनि गर्न सक्नुहुन्न। किनकि जुन कुराको पुष्टि गर्दै मेम्न स्तोत्रमा पुष्पदन्तले भनेका छन् असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरु वरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं नयाति। पर्वत जस्तो काजल को भाँडो सागर जस्तो मसी र देवराज इन्द्र को बगैचा में होने जो कल्प वृक्ष को हागो लाई लिएर भगवती शारदा सरस्वती ले पनि यदि भगवान शंकर को गुणगान सधैं लेख्न बस्नु भएको अवस्था में पनि भगवान शंकर को गुणगान कहिले पनि समाप्त हुँदैन। यस कारणले गर्दा भगवान शिव शंकर को महिमा कसैले पनि वर्णन गर्न सक्दैन, गाह्रो छ। यस कारणले तप तत्त्वं न जानामि यदृशोऽसि महेश्वरो यादृशोऽसि महादेवो तादृशाय नमो नमः। हे पिण्डेश्वर श्याम सदाशिव तिम्रो तत्त्वको बारेमा कसैले पनि जानकारी राख्न सक्दैन। यस कारणले जस्ता स्वरूपका अर्धनारीश्वर शंकर भगवान हुनुहुन्छ त्यस्तै स्वरूप भगवान शंकरलाई म प्रणाम गर्दछु। र अन्तमा यदक्षतपद भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवो प्रसीद शिव शंकरो। वर्णन गर्ने क्रममा केही अक्षर छुटपुट यदि भएको छ भने त्यो सम्पूर्ण तपाईँले सुधार्नुहुनेछ भन्दै म यो प्रकरण स्तुति प्रार्थनाका साथ यही समाप्त गर्दछु। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणजं वा मानसं वा अपराधं
विहितमवीतम्ब सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो ओम।